ये कील सिर्फ एक आदमी की हथेली पर नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारे पुलिसिया सिस्टम पर ठोकी गई है। ये कील सिर्फ एक आदमी के पैर में नहीं ठोकी गई, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था पर ठोकी गई है। ये कील मानवता पर ठोकी गई है। ये कील इंसानियत पर ठोकी गई है। ये कील बताती है कि निर्दयता की अंतिम सीमा क्या हो सकती है। किसने ठोकी है इस आदमी के शरीर पर ये कील, सुनिए। सिपाही ने दो तीन लोग और बुला लिए, तो उन्होंने योगी नवाद ने मुंडे मुल्ले जी के कपड़े दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर मैं मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। सुना आपने, रोता बिलखता ये आदमी आरोप लगा रहा है कि मास्क नहीं पहना था, इसलिए वर्दी वाले साहबों ने कील ठोक दी। लेकिन जिले के सबसे बड़े वर्दी वाले साहब कह रहे हैं कि आदमी झूठा है, इसके शरीर में ठुकी हुई ये कील झूठी है, इसका लहू झूठा है। साहबों ने मास्क न लगाने पर इसके ऊपर दर्जन भर धाराएं लगा दी और इन धाराओं को धता बताकर ये भाग गया था। प्रकरण की जांच कराई गई है, इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क घूम रहा था, तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 IPC, 269, 270 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। अपने आप में ये अनोखा भी है, आश्चर्यचकित करने वाला भी है और अद्भुत भी है कि मास्क न पहनने वाले आरोपी पर पुलिस ने दर्जनों मामले तो लगाए ही, उसके बाद उसकी तलाश में दबिश दी, छापेमारी की। वाह साहब वाह, सलामी देने का दिल करता है इस कर्तव्य निष्ठा को। आगे सुनिए, साहब कह रहे हैं कि आदमी अपराधी है, कालांतर में इसने क्या गुनाह किया था वो भी सुन लीजिए। सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 IPC जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था, इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो साहब अपराधी था तो क्या किसी के हाथ में कील ठोक देंगे, किसी के पैर में कील ठोक देंगे या सीधे ही ठोक देंगे? गजब कर दिया कोतवाल साहब, गजब कर दिया। लेकिन इससे भी गजब तो ये अगला बयान है इनका, इसे बहुत कायदे से सुनिएगा। ऐसे ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। सुना कि नहीं, पुलिस वाले बड़के साहब कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने ऐसी हरकत की है। ऐसी हरकत का अर्थ ये है कि इस आदमी ने पहले अपने पैर में खुद कील ठोकी, फिर खुद अपने हाथ में कील ठोकी, फिर पुलिस वालों पर रोते हुए आरोप लगाए। मतलब इस आदमी के आरोपों पर कोई जांच नहीं होगी, कोई तफ्तीश नहीं होगी कि इसके हाथ में किसने कील ठोकी। किसी भी पुलिस वाले पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस वाले चुस्त हैं। जयकारा लगाओ, जय बरेली की पुलिस। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक।